हेलो, माय नेम इज़ कमलेश राठवा, एथलेटिक्स ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट भरूच, फ्रॉम गुजरात। माय स्कूल नाम इज श्री कृष्ण आश्रम शाड़ा थवा, वर्किंग इज किंडर स्पोर्ट्स LLP। आज का हमारा टॉपिक है वो डिस्कस थ्रो टेक्निक। डिस्कस थ्रो टेक्निक वो एथलेटिक की फील्ड इवेंट है। वो करने से पहले हम वार्म अप के बारे में जान लेंगे कि वार्म अप की ज़रूरी है। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि बिना वार्म अप से हम एक्टिविटी करेंगे तो हमारे को इंजरी होने का संभव है। वार्म अप करने के बाद जो हमारा पूरा बॉडी पार्ट है वो गर्म हो जाता है और इंजरी होने का संभव नहीं है। इसलिए कोई भी एक्टिविटी करने से वार्म अप करना ज़रूरी है। वार्म अप में थोड़ी सी रनिंग, टचिंग, एक्सरसाइज ये सब करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे को लाइफ टाइम इंजरी भी हो सकती है। तो आज हम डिस्कस थ्रो टेक्निक करके आपको दिखाएंगे। स्टैंडिंग थ्रो पहले हम बिना डिस्क से करके दिखाएंगे आपको। इसी तरह से खड़े हो जाइए, अब हम डिस्कस के साथ करके दिखाएंगे आपको। ये था हमारा डिस्कस थ्रो टेक्निक। डिस्कस थ्रो टेक्निक उसके ग्राउंड के बारे में जान लेंगे। उसका ग्राउंड है 2.50 मीटर होता है और बॉयज़ में 1 kg का अंडर 40 में होता है और 17 में 1.50 मीटर होता है और गर्ल्स में भी 1 kg का ही डिस्कस होता है। तो ये आपको मैं डिस्कस की टेक्निक करके दिखाई, आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी।